कोरोना महामारी हमारे पूरे देश में ग्लोबली आई है, उसके लिए हमारी सैलरीज के 30% काटना है। 30 नहीं 40 ले लीजिए, 40 नहीं पूरे ले लीजिए, पर हम MPs पे अन्याय मत कीजिए, क्योंकि ये सदन में एक भी MP ऐसा नहीं है जिसने ये नहीं कहा है कि कोरोना महामारी के ऊपर हम समर्थन, ये बिल को समर्थन करते हैं, पर बीच में आने के बाद बोलते हैं MP लैंड फंड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और फिर हम इसका विरोध करते हैं। तो 100% मिनिस्ट्री ने इस पर ज़रूर बात करना चाहिए और फिर ये बिल वापस लाना चाहिए और इस पर बात करके हम जैसे नए लोगों पे तो फिर भी अन्याय मत कीजिए, क्योंकि नए क्षेत्र में से बहुत उम्मीदें लगाकर लोगों ने हम नए लोगों को चुन के लाया है। क्योंकि एक मिनिस्टर को मैंने पिछले इंटरव्यू में सुना है कि एक साल में 10,000 करोड़ के काम मैंने मेरे क्षेत्र में किए हैं, अरे हमें सिर्फ 5 करोड़ मांग की है, 5 करोड़ साल भर में मिलते हैं, वो तो हमारा अधिकार हमारा हक मत लीजिए, हमारे से ज़्यादा हमारे क्षेत्र के लोगों का अधिकार है। तो वो अधिकार को ना मारते हुए मुझे पता है कि कोरोना महामारी में सिर्फ 8,000 करोड़ से कुछ नहीं होना है, 800 MPOs के 8,000 करोड़ से ये महामारी को निपटी नहीं जा सकती है, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा फंड हमें लगेगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत उम्मीदें हैं हम लोगों से, हमारे क्षेत्र को जब फोन आते हैं, ये महामारी में जब एम्बुलेंस देने की बारी हमारे क्षेत्र में आई, ट्राइबल एरिया में जब एम्बुलेंस देने की बारी आई, जिस तरीके से एक सांसद महोदय ने अभी बोला है कि हमें अपना फंड देने के बाद जब कलेक्टर उसे रिजेक्ट करता है कि आपका फंड आपको नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट की नॉर्म्स आए हुए हैं, तो हम आपका फंड अभी आपको नहीं दे सकते। मुझे बताइए, जब ज़रूरतमंद को हम एम्बुलेंस नहीं दे पाएंगे, तो ये महामारी से अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो हम जैसे लोगों को अपने क्षेत्र में एम्बुलेंस से लेके ऑक्सीजन से लेके वेंटिलेटर से लेके बात करने के लिए और काम करने के लिए और ये फंड देने की बहुत ज़रूरी है। आप हमारी सैलरी पूरी ले लीजिए, पर हमारा फंड और हमारे लोगों का अधिकार आप हमसे मत लीजिए, इतनी विनंती आप लोगों से करते हो और ये बिल को सपोर्ट करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद श्री इम्तियाज जलील। श्री इम्तियाज़,